आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान का सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था, इसमें हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 का पहला भाग। सेकंड पेपर है आपकी। इससे पहले हमने भारत शासन अधिनियम 1919 पढ़ा था और 1919 के दो भाग पढ़े। भारत शासन अधिनियम जो है इसका पहला भाग पढ़ेंगे और इस वीडियो को हम लगभग दो या तीन भागों में बांट करके पढ़ेंगे, यानी मोस्टली इसमें दो वीडियो आपको प्राप्त होंगे। अगर शेष रह गया तो तीसरा वीडियो भी हो सकता है, लेकिन प्रयास रहेगा कि दो वीडियो में इसको पूरा कर दिया जाए। आपके लिए टेलीग्राम लिंक जो है उपलब्ध है और आप इसको लिख सकते हैं कॉलेज क्लासेस बाय TR रोज के नाम से, जब आप सर्च करेंगे तो वो मिल जाएगा। और यह पाठ UPSC और राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जितनी भी भर्तियां आयोजित होती है, जैसे RS है, UPSC में सिविल सेवा है, उनके लिए भी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है और यदि राजनीति विज्ञान से कोई नेट JRF करता है तो उनके लिए भी यह पाठ बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अन्य सभी भर्तियों के लिए जो राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि ये पाठ सभी तरह से बहुत उपयोगी है, तो आप इसे अच्छे से देखें। सबसे पहले भारत शासन अधिनियम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम विचार करते हैं। कब लागू हुआ? आपने देखा होगा कि अपने यहां पर गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में, और वो हुआ था 1930, 31 और 32, यानी तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे। और तीन गोलमेज सम्मेलनों में बहुत सारे विचार किए गए, जिनमें जैसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में जो शासन चलाया जा रहा था उस पर बहुत अधिक विचार किए गए, बहुत अधिक मंथन किए गए। और उन विचारों के आधार पर मार्च 1933 में एक सुधार योजना प्रस्तुत की गई और सुधार योजना के संबंध में एक श्वेत पत्र जारी किया गया। क्या जारी किया गया? श्वेत पत्र जारी किया गया, प्रकाशित किया गया, जिसमें एक बात थी कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन व्यवस्था और केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना, ये दो चीजें उसमें बातें थी। आपने देखा होगा कि केंद्र में एक द्वैत शासन था, द्वैत शासन व्यवस्था थी। द्वैत शासन व्यवस्था को तो 1935 में हटा दिया गया। अब क्या है कि उत्तरदायी प्रांतों में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था लागू की जाए, इसके लिए एक सहमति बनी और उस पर एक आयोग बना और उस आयोग में सुझाव दिया गया कि किस प्रकार की एक शासन व्यवस्था की जाए। और श्वेत पत्र को में जो सुझाव दिए गए थे, उन सुझावों को ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश संसद ने उसको स्वीकार कर लिया गया और उसे नाम दिया गया भारत शासन अधिनियम 1935। क्या नाम दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। कहने का अर्थ है कि गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे 1930, 31 और 32 में, उनमें जो भी विचार किए गए, उन विचारों के आधार पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया। और वो श्वेत पत्र जब ब्रिटिश संसद के सामने आया, ब्रिटिश संसद में रखा गया, तो ब्रिटिश संसद ने उसको स्वीकार करते हुए उसका नाम दे दिया। क्या नाम दिया? भारत शासन अधिनियम 1935। तो आप समझ गए कि भारत शासन अधिनियम 1935 क्या था। अब भारत शासन अधिनियम 1935 की क्या विशेषताएं थी, देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 था बहुत लंबा और बहुत जटिल भी था। इसमें 451 तो धाराएं थी और 15 परिशिष्ट थे। जैसे अपना जो संविधान है, अपने संविधान में 395 अनुच्छेद थे, है ना। इसमें 451 धाराएं थी और इसमें 15 परिशिष्ट थे। और इस अधिनियम की मुख्य विशेषताओं का हम अध्ययन करें तो इस आधार पर हम कर सकते हैं, पहली बात तो यह एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण करने वाला अधिनियम था। कैसा? कि 1935 के अधिनियम के द्वारा यह निर्णय किया गया कि केंद्र में जो ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर के एक नया संघ स्थापित किया जाना चाहिए। सबसे पहले इस जो अधिनियम की मुख्य बात थी वो थी कि एक तो ब्रिटिश प्रांत अर्थात जहां पर ब्रिटेन का शासन था, और एक यहां पर देशी रियासतें यानी जहां पर राजाओं का शासन था, उनको मिलाकर के और एक संघ बनाया जाए, अर्थात उन सभी में एक जैसी व्यवस्था लागू किया जाए। और ये संघ जो है 11 तो ब्रिटिश प्रांत थे, 6 कमिश्नर थे, और इसी प्रकार की जो भारत में जो देशी रियासतें थी उनको मिलकर बनना था। तो हम ये कह सकते हैं कि एक अखंड भारत बनाने की योजना कह सकते हैं इसको, कि एक पूरा भारत बनाने की, जिसमें एक तरह की शासन व्यवस्था, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांतों को भी शामिल किया गया, चीफ कमिश्नर जो थे उनको शामिल किया गया, देश रियासतों को शामिल करने की बात थी। और जो संघ जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित होना चाहते हैं, देशी रियासतों के लिए एक बात थी कि जो देशी रियासत जो है संघ में सम्मिलित होना चाहती है उनके लिए ही वो व्यवस्था लागू है।
और अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था। ब्रिटिश प्रांतों के लिए तो क्या था कि भाई जितने भी जो ब्रिटिश प्रांत थे, 11 ब्रिटिश प्रांत थे और कमिश्नर थे, इन सभी को तो उनमें शामिल होना था, लेकिन देशी रियासतों के लिए ये ऐच्छिक था, ऑप्शनल था कि आप चाहें तो शामिल हो सकते हैं। यदि आप इसमें शामिल होंगे तो इसमें आपके लिए भी वही कानून व्यवस्था लागू होगी जो ब्रिटिश प्रांतों के लिए लागू है। तो एक उन्हें प्रवेश पत्र पर एक हस्ताक्षर करना था, यानी एक उन्हें एक फॉर्म दिया जाता था और उस फॉर्म पे विलय पत्र पर उन्हें साइन करने होते थे कि मैं मेरा जो प्रांत है, मेरी जो रियासत है, इस रियासत को इस संघ में शामिल करने की अनुमति देता हूं। तो इस प्रकार की व्यवस्था थी। दूसरी बात थी, संघ में अगर शामिल होते थे तो उनकी एक शर्त थी। ये विशेषताएं चल रही है, पहली विशेषता तो हो गई कि एक संघ राज्य के रूप में। अब इसमें संघ में प्रवेश होने के लिए एक शर्त थी। क्या शर्त थी? शर्त यह थी कि कम से कम समस्त देशी रियासतों की कुल जनसंख्या की आधी जनसंख्या वाले देशी रियासतें संघ में शामिल होने की इच्छा प्रकट करें। यानी देशी रियासतों की कुल जनसंख्या है, उसकी आधी जनसंख्या वाले जो देशी रियासतें हैं वो उसमें कम से कम शामिल हो, और ये शर्त जब पूरी हो जाएगी तो सम्राट द्वारा संघ की स्थापना की घोषणा कर देते। लेकिन देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई, लेकिन देशी रियासतों ने कहा कि हम आपके संघ में शामिल नहीं होंगे, और इस प्रकार प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। तो इस प्रकार पहली बात तो ये जो इसके आधार पर जो संघ बनाया जाना था वो संघ तो नहीं बना। क्या हुआ? वो संघ नहीं बना। दूसरी बात, इसकी विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांत जितने भी थे उनको स्वायत्तता देना, अर्थात उनको शासन में अपने भागीदारी निभाने का अवसर देना। 1935 का जो अधिनियम था उसके द्वारा 1919 के अधिनियम में जो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था थी उसका अंत कर दिया गया और उन्हें स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। प्रांतों में जो द्वैध शासन व्यवस्था थी जिसमें वहां का जैसे गवर्नर भी था, वहां के जो मंत्रिमंडल था उनका भी शासन था, उन सभी का अंत करके और उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया। संपूर्ण प्रांतीय शासन लोकप्रिय मंत्रियों के नियंत्रण में कर दिया गया और गवर्नर से यह आशा की गई कि उसके द्वारा मंत्रियों की सलाह के आधार पर प्रशासन का संचालन किया जाएगा। अब क्या है कि वो सारा का सारा जो शासन है, प्रांतों का जो शासन है, वो मंत्रियों के जितने भी लोकप्रिय मंत्री थे वहां पर जो काम करने वाले जो मंत्री थे उनके अधीन कर दिया गया और उनके आधार पर गवर्नर को यानी शासन का संचालन करना था। तो प्रांतीय स्वायत्तता हो गई। तीसरा था इसमें केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। अब प्रांतों में तो द्वैध शासन हटा दिया लेकिन केंद्र में द्वैध शासन कर दिया। कैसे? कि कुछ संघीय विषय थे जैसे सुरक्षा है, विदेशी संबंध है, धार्मिक मामले है, कबायली क्षेत्र की व्यवस्था है, इन सबको गवर्नर जनरल के हाथ में सुरक्षित रखा गया। सुरक्षा, विदेशी संबंध, धार्मिक मामले और कबायली क्षेत्र जो उनका विरोध कर रहे थे, उन क्षेत्रों को जनरल के गवर्नर जनरल के हाथों में रखा गया और उनका जो शासन है वो अपने विवेक के अनुसार करें। अन्य जितने भी संघीय विषय थे उनके लिए गवर्नर जनरल को की सहायता और परामर्श के लिए एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई। जैसे सुरक्षा, विदेशी संबंध, धार्मिक मामले, इनके अलावा जो विषय थे उनके लिए एक व्यवस्था अर्थात एक मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया जिसमें मंत्रियों की संख्या 10 से अधिक नहीं थी। तो केंद्र में क्या हुआ कि एक द्वैध शासन हो गया, एक तो गवर्नर का शासन हो गया और एक ये मंत्रिमंडल का शासन हो गया। तो इस प्रकार केंद्र में वो द्वैध शासन व्यवस्था हो गई। चौथा था संरक्षण और आरक्षण व्यवस्था थी इसमें। गवर्नर जनरल और गवर्नरों को विभिन्न परिस्थितियों में केंद्र और प्रांत के उत्तरदायी शासन में हस्तक्षेप करने का जो अधिकार दिया था उनको संरक्षण और आरक्षण कहा गया। संरक्षण और आरक्षण का अर्थ है कि जैसे गवर्नर जनरल को ऐसा लगता है कि केंद्र में या प्रांत में शासन उत्तरदायी रूप से उत्तरदायी शासन की व्यवस्था नहीं हो रही, तो उस समय गवर्नर जो है उनमें हस्तक्षेप कर सकता था और उनको मर्यादित कर सकता था, उनको नियमित कर सकता था, नियंत्रित कर सकता था। ब्रिटिश शासन का विचार था कि भारतीयों द्वारा उत्तरदायी शासन का संचालन करने में गंभीर त्रुटियां की जा सकती है। उनका ये विचार था कि अगर ये उत्तरदायी शासन अर्थात भारत के लोगों का ही शासन होगा तो ये लोग त्रुटियां करेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अनेक अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए भी पहले से समुचित व्यवस्था कर लेना चाहते थे। इसीलिए तो उन्होंने अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग व्यवस्था की, अलग अलग वर्गों को अलग अलग आरक्षण देने की व्यवस्था भी की,
जो एक भारत के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं थी या स्वस्थ शासन निकाय नहीं थी। इसके अलावा पांचवी इसकी विशेषता है विधान मंडलों और मताधिकार का विस्तार। विधान मंडलों का विस्तार किया गया, मताधिकार का भी विस्तार किया गया। केंद्र में विधानसभा सदस्यों की संख्या 375 और राज्य परिषदों की संख्या 260 निर्धारित की गई। कि केंद्र में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 375 होगी, और राज्य परिषद जो है उनकी संख्या 260 होगी। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों को दो सदनों वाला बनाया गया। प्रांत जो थे ब्रिटिश प्रांत, उनको 11 में से 6 विधानमंडलों को दो सदनों वाला यानी जैसे विधान परिषद और विधानसभा बनाया गया। अधिनियम के द्वारा मताधिकार का विस्तार किया गया और प्रांतों के लिए 10% से कुछ अधिक जनता को मताधिकार भी प्रदान किया गया। यानी पहले तो गिने चुने व्यक्तियों को था, लेकिन फिर 10% से अधिक लोगों को मतदान की व्यवस्था भी की गई। तो इसमें एक भी ये भी किया गया था। छठी इसकी विशेषता थी शक्ति विभाजन। इस अधिनियम द्वारा भारत में एक संघीय शासन की स्थापना की जानी थी, अतः इस दृष्टि से केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के क्षेत्रों को स्पष्ट करके 3 विस्तृत सूचियां बनाई गई, जैसे अपनी अपने वर्तमान संविधान में भी है संघ सूची, और इसके अलावा प्रांतीय सूची जिसको राज्य सूची कह सकते हैं, और समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे, और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। संघीय सूची जिसमें केवल केंद्र सरकार कानून बनाती, प्रांतीय सूची जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती, और समवर्ती सूची जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाए, और दोनों में यदि विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसमें केंद्र का कानून मान्य हो जाता। इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। शक्ति विभाजन हो गया। इसके अलावा सातवीं इसकी विशेषता है संघीय न्यायालय। अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों और रियासतों तक विस्तृत था। यानी जो संघीय न्यायालय था, संघीय न्यायालय को न्याय करने का अधिकार ब्रिटिश प्रांतों में तो था ही, इसके अलावा जो रियासतें थी वहां तक भी उसकी पहुंच थी, और न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था भी की गई। तो एक न्यायाधीश था, मुख्य न्यायाधीश था, और एक दो अन्य न्यायाधीश थे, और न्यायालय को मौलिक और अपील संबंधी अधिकार दिए गए थे, जितने आज हम कह सकते हैं कि न्यायालय को जो अधिकार दिए गए थे वो नागरिकों का के अधिकारों को का हनन नहीं हो इसलिए वो बनाया गया था। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, इसकी एक विशेषता, ये भी सबसे बड़ी विशेषता थी। इस अधिनियम में भारतीय शासन के संबंध में ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। यानी ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश संसद भारत के किसी क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती थी। यानी अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का कोई अधिकार विधानमंडलों को नहीं था, और संघीय व्यवस्थापिका को भी नहीं दिया गया। इस संबंध में शक्ति ब्रिटिश संसद के पास ही थी। भारतीय भाग्य के निर्णय की अंतिम सत्ता जो है ब्रिटिश संसद के पास ही रही, अर्थात भारत में किस प्रकार का कानून लागू किया जाना है, कौन सी व्यवस्था लागू की जानी है, कौन सा गवर्नर जनरल यहाँ पर नियुक्त किया जाना है, क्या उन व्यवस्थाओं में किया जाना है, तो वो सारी जो अंतिम जो शक्ति थी वो ब्रिटिश संसद के पास थी। तो यूं कह सकते हैं कि इसका अर्थ तो वो ब्रिटेन वाला शासन ही इसमें रखा गया था। प्रस्तावना का अभाव, एक इसमें यह भी था, इस अधिनियम की कोई अपनी प्रस्तावना नहीं थी, ना कोई इसका ध्येय या उद्देश्य था। ब्रिटिश संसद के कुछ सदस्यों ने जब इसके आधार पर इसकी आलोचना की, तो उन्होंने क्या किया कि 1919 का जो अधिनियम था और उस अधिनियम की जो प्रस्तावना थी वो इसमें जोड़ने का निश्चय कर लिया, अर्थात उन्होंने उसे जोड़ दिया कि भारत शासन अधिनियम 1919 की जो प्रस्तावना है वही इसकी प्रस्तावना है। इसका अर्थ यही हुआ कि वो भारत में ही शासन करना चाहते थे, भारत को एक उपनिवेश ही बनाए रखना चाहते थे। 10वीं इसकी विशेषता थी भारत परिषद का अंत। भारत परिषद के भारत विरोधी दृष्टिकोण के कारण भारतीय जनता द्वारा इस परिषद की के अंत की मांग की जा रही थी, इसलिए 1935 के अधिनियम में क्या हुआ कि भारत परिषद का अंत कर दिया गया। भारत परिषद में बहुत सारी ऐसी जटिलताएं थी जिनको भारत की जनता, भारत के लोग दूर करना चाहते थे, और उन्होंने इससे भारत परिषद अधिनियम को नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। 11वीं इसकी विशेषता है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। अंग्रेजों ने भारतीयों में फूट डालने के लिए, फूट डालने की नीति से संघीय और प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों और विशेष हितों को प्रतिनिधित्व देने के लिए इस पद्धति को न केवल जारी रखा गया, बल्कि आंग्ल भारतीयों को, भारतीय ईसाइयों को, यूरोपियनों को और हरिजनों के लिए इस पद्धति का विस्तार किया गया। भारत में जैसे आंग्ल भारतीय थे, भारतीय ईसाई थे, यूरोपीय लोग थे, भारत में जो हरिजन लोग थे, उन सभी के लिए क्या है कि अलग व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखा गया,
अलग व्यवस्था की गई। तो इससे ये अर्थ हुआ कि ये लोग क्या है कि भारत के लोगों को ही अलग अलग करना चाहते थे। और आप जानते हैं कि ये जो लोग थे, अंग्रेज जो थे, फूट डालो और राज को डिवाइड एंड रूल के नियम पर वो चलते थे। इसकी 12वीं विशेषता थी बर्मा, बरार और अदन। इससे संबंधित बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, अदन को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया और 1 अप्रैल 1937 को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया। 1 अप्रैल 1937 से अदन को क्या किया, भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके उसको इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया। बरार के ऊपर निजाम के, जो हैदराबाद के निजाम की नाममात्र की श्वेता स्वीकार कर ली गई, परंतु उसको शासन की दृष्टि से मध्य प्रांत का अंग बना दिया गया। यानी यू कह सकते हैं कि बर्मा, बरार और अदन इन तीनों को भी अपने अधीन ले लिया। ये तो इसकी विशेषताएं थी। अब इसकी आलोचना आ सकती है कि उसमें क्या क्या कमियां थी। पहली बात तो थी कि ये दोषपूर्ण संघ था। उसमें जो संघीय व्यवस्था की बात की गई तो दोषपूर्ण था। क्या था? एक तो संघ में आकार, जनसंख्या, राजनीतिक लक्ष्यों की दृष्टि से भिन्न प्रकार की इकाइयों के मेल का प्रयत्न किया गया। यानी इसमें इस संघ का जो आकार, जनसंख्या, लोगों का जो मेल जोल बनाया गया, संघ बनाया गया, तो ये किसी एक समान इकाइयां नहीं थी। दूसरी बात थी प्रस्तावित संघ में न तो भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण की बात की गई थी, ना ही उसमें आत्मनिर्णय, सामान्य नागरिकता या संघीय हस्तक्षेप में समानता का प्रबंध था। यानी ये जो संघ था, ये जो अधिनियम बना था, उसमें भारत को सत्ता हस्तांतरण की कोई बात ही नहीं की गई थी। तीसरी बात थी भारतीय व्यवस्थापिका को विधान में संशोधन का अधिकार भी नहीं था। और इससे भी अधिक आपत्तिजनक बात यह थी कि अवशेष शक्तियां गवर्नर के पास थी। यानी जो ये जो जैसे परिषद बने थे या मंत्रिमंडल बने थे, इन मंत्रिमंडलों को कुछ थोड़े से अधिकार थे, और वो भी अगर मान लो उनमें कोई विवाद हो जाता है तो अंतिम जो अधिकार थे वो किसके पास थे, ब्रिटिश संसद के पास थे या गवर्नर के पास थे। एक इसकी आलोचना है कि प्रांतीय स्वायत्त शासन एक भ्रम था। प्रांतों को जो स्वायत्तता प्रदान की गई थी वो एक भ्रम था, लोगों को पागल बनाया गया था। इस अधिनियम में प्रांतीय शासन की व्यवस्था की गई थी। प्रांतीय व्यवस्था के सभी सदस्य निर्वाचित होते थे और कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी किया गया था, ये बात उसमें लिखी गई थी। लेकिन मताधिकार का भी विस्तार किया गया था, लेकिन वास्तव में यह सब भ्रम था। क्यों? क्योंकि प्रांतीय स्वशासन के दो आधारभूत तत्व, जैसे बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता और प्रांत में उत्तरदायी शासन। बाहरी नियंत्रण, अगर किसी प्रांत में किसी शक्ति का नियंत्रण है तो फिर तो वो तो अधीन ही हुआ ना। और उत्तरदायी शासन, ये दोनों ही विद्यमान नहीं थे। उत्तरदायी शासन यानी वो ही मंत्रिमंडल वहां का शासन चलाए, ऐसी कोई बात नहीं थी। जब भी ऐसा लगता कि वो कोई सेल्फ निर्णय लेने वाले हैं तो उसमें या तो गवर्नर का अधिकार अड़ जाते या फिर ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसके अधीन उनको उन पर पाबंदियां लगा दी जाती। तो गवर्नर जनरल और गवर्नरों के जो विशेष उत्तरदायित्व के कारण प्रांतीय स्वशासन एक मजाक बनकर रह गया था और प्रांतीय शासन की वास्तविक धुरी मुख्यमंत्री नहीं वरन सम्राट द्वारा नियुक्त और उसका प्रतिनिधि गवर्नर था। यानी प्रांतीय शासन जो होते थे, अगर वहां पर वोट होते और वोट करके, और जैसे मान लो किसी को वहां का मुख्यमंत्री बना दिया या मुख्य बना दिया, तो वो मुख्य भी किसी काम का नहीं था। बात यह थी कि सम्राट किसको नियुक्त करे, उसका प्रतिनिधि ही जो है गवर्नर ही था। तो बात यही थी कि प्रांतों में भी शासन जो है किसका चलता था, गवर्नर का ही चलता था। संरक्षण और आरक्षण की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। इसमें जो आरक्षण की व्यवस्था संविधान की एक बहुत बड़ी प्रतिक्रियाबद्धता थी। वास्तव में ये संरक्षण ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उसके साथियों के स्वार्थों की रक्षा के लिए किए गए थे। क्योंकि जैसे मान लो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए कि भाई ब्रिटेन के साम्राज्य को नुकसान पहुंच रहा है, अर्थात भारत से हटाने की बात की जा रही है, तो उन्होंने क्या किया कि इस प्रकार का एक छोटा सा फिड़का डाल दिया और लोगों को यह भ्रमा दिया कि हमने आपके लिए एक शासन सुधार से संबंधित कर दिया है, अब आप जो है भारत में अच्छे शासन की व्यवस्था होगी, जबकि ये व्यवस्था कुछ भी नहीं थी, ये दिखावा था। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली भारत के लिए हितकर नहीं थी, अहितकर थी, और सबने ये एक स्वर से इसकी निंदा की थी। लेकिन फिर भी जब ये भारत शासन अधिनियम 1935 आया तो इसमें उसको कायम रखा गया, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को कायम रखा गया, जिसमें आंग्ल भारतीयों को, यूरोपियनों को, भारतीय ईसाइयों को, हरिजनों को, इन सब पर यह लागू किया गया था,
जो कि बहुत ही त्रुटिपूर्ण था। इसके अलावा आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम में नवीन संविधान के स्वविकसित होने या भारतीयों द्वारा अपने भाग्य का निर्णय करने का कोई प्रबंध नहीं था, अर्थात भारत के लोग किसी प्रकार के कोई शासन या कानून का निर्माण नहीं कर सकते थे। वह अधिनियम ब्रिटिश संसद ने बनाया था और भारत की आगे की प्रगति का निर्णायक भी ब्रिटिश संसद ही थी। अधिनियम के द्वारा भारत पर ब्रिटिश संसद या भारत मंत्री के नियंत्रण में भी कोई कमी नहीं की गई, अर्थात यहाँ पर जो ये अधिनियम बना था वो ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया था, ब्रिटेन के लोगों के द्वारा बनाया गया था और ब्रिटेन का जो गवर्नर था उसकी शक्तियों में कोई कमी नहीं की गई थी, तो फिर क्या बनाई? यानी अंतिम सत्ता तो उन्हीं के हाथ में थी और यहाँ के बारे में, भारत के बारे में ब्रिटेन के लोग इतना कैसे सोच सकते हैं? उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके पसंद आया है। पहला भाग अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, दूसरा भाग शीघ्र ही आपके सामने होगा। जय हिंद, जय भारत।